बरखा से पढ़ लिया था, आज हम लोग बरखा के आगे का पढ़ते हैं। बरखा आगे जब पढ़ते हैं, देखिए कल हम लोगों ने बरखा खत्म कर लिया था हिंदी शिक्षण में। आज आगे पढ़ना है भाषा का अन्य विषयों के साथ संबंध, भाषा का अन्य विषयों के साथ संबंध, क्या संबंध उसकी व्याख्या हम लोग करते हुए चलते हैं साथ में। भाषा किसी भी विषय का आधार होती है, क्योंकि हर विषय का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही दिया जाता है। भाषा किसी भी विषय का आधार होती है, क्योंकि हर विषय का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही दिया जाता है। आगे देखते हैं, कक्षा एक और दो में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस ज्ञान भाषा एवं गणित की पुस्तक के माध्यम से ही दिया जाता है। जो भाषा का ज्ञान होता है वो किससे दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान भाषा एवं गणित की पुस्तक के माध्यम से ही दिया जाता है। इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण की किताबें किस कक्षा से किस कक्षा तक चलती है? कक्षा 3 से लेके 5 तक, क्योंकि 1 और 2 में पर्यावरण की जगह मतलब ईवीएस की जगह गणित और भाषा की पाठ्य पुस्तकें ही चलती हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग इसी क्रम में। और फिर जैसे कक्षा 4 की रिमझिम का एक पाठ नसरुद्दीन का निशाना अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक मैरीगोल्ड में भी दिया गया है। मैरीगोल्ड क्या है? इंग्लिश की बुक है, एनसीईआरटी की अंग्रेजी की बुक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कहा गया है या किया गया है कि एक पाठ्यपुस्तक की झलक पूरी पाठ्यपुस्तक में दिखना बच्चों के रोचक तो होगा ही, इसके साथ ही अंग्रेजी में इस पाठ को समझने में मदद भी मिलेगी। मतलब ये रोचक भी होगा, अंग्रेजी में इसे समझने में मदद भी मिलेगी, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देते हैं, इस संदर्भ में अध्यापक को सुझाव है कि वह पहले इस पाठ को हिंदी में पढ़ने के दौरान ही बच्चों को अंग्रेजी कक्षा में इस पाठ को पढ़े। पहले हिंदी कक्षा में पढ़ ले, फिर इसे अंग्रेजी कक्षा में भी पढ़े, ताकि बच्चों क्या हो, ध्यान इसकी तरफ बढ़ जाए और वो और मन से पढ़े। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक आसपास में पढ़े एक पाठ का एक अभ्यास को रिमझिम 4 में जोड़ा गया है। एक पाठ को पुस्तक को आसपास में अभ्यास रिमझिम में 4 को जोड़ा गया है। यह सब प्रयास रिमझिम को अन्य विषयों के साथ संबंध जोड़ने के लिए किया गया, जिसके रिमझिम को अन्य विषयों के साथ जोड़ने के लिए रिमझिम के बारे हम लोग पढ़ चुके, क्योंकि हम लोग स्वभाव पढ़ रहे थे, तो इसके पहले हम लोगों ने सारा चीज़ को पढ़ लिया, आपको मिल भी गया होगा जाकर, आप जानते हैं। फिर आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण एवं मूल्य शिक्षा, भाषा शिक्षण एवं मूल्य शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सभी मूल्यों की जड़ में सामाजिक सद्भाव एवं शांति को चिन्हित करती है और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक विषय का महत्व देती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शांति पूर्वक मूल्यों के विकास में भाषा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा किसी भी संस्कृति में मूल्यों को बनाए रखने के लिए काम करती है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाषा किसी संस्कृति कैसे बचा के रखती है, किसी भी देश को समझने के लिए, किसी की संस्कृति किसी कल्चर को समझने के लिए भाषा का क्या योगदान होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया। इसके पहले वही बात आई कह रहा है, दूसरों के प्रति खासकर असमानता क्षमता या पृष्ठभूमि के अंतर के संदर्भ में बच्चों को संवेदनशील बनाना भी भाषा शिक्षण के दौरान होना चाहिए। मैंने बच्चों को संवेदनशील बनाते समय भी आपका भाषा शिक्षण होना चाहिए। और भाषा शिक्षण क्या है? एक महत्वपूर्ण ऐसी इकाई है जो कि व्यक्ति का या बालक का जो सर्वांगीण विकास करने में काफ़ी महत्वपूर्ण या योगदान देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिमझिम 4 में सुनीता की पहिया कुर्सी नामक पाठ दिया गया। इसी बात को ध्यान रखते हुए रिमझिम 4 में सुनीता की पहिया नामक पाठ दिया गया। इसी तरह अन्य सामग्री पत्र पत्रिकाओं से या स्वयं विकसित करके शिक्षक उनका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षक को चाहिए कि मूल्यों के विकास में भाषा की भूमिका सुनिश्चित करते हुए कक्ष में बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाए या परिणमित लाए। रिमझिम 5 की बात करते हैं, रिमझिम 5 मतलब किताब के नाम भी पढ़ रहे हैं और रिमझिम का मतलब क्या, किसी पाठ के अंत में दिया गया जो कठिन शब्द होते हैं या जो डायग्राम बना होता है उसी को रिमझिम कहते हैं। रिमझिम 5 के ताने बाने को 4 सूत्रों में पिरोया गया है। हर सूत्र का रंग अपना रंग और अपनी छटा इस प्रकार है, अपनी अपनी रंगते, बात का सफर, मजा खटोला और आसपास। मतलब ये रिमझिम को 5 भागों में डिवाइड किया गया, इनके ऐसे 4 डिवाइड ये हैं, अपनी अपनी रंगते, बात का सफर, मजा कटोला और आसपास। आगे देखते हैं हम लोग, अपनी अपनी रंगते के अंतर्गत रीति रिवाज जीवन शैली हुनर विरासत और बोली आदि संस्कृत को विभिन्न आयामों की झलक। अपनी अपनी रंगत में क्या है? अपनी अपनी रंगत के अंतर्गत रीति रिवाज जीवन शैली हुनर विरासत और बोली आदि संस्कृति के विभिन्न आयामों की झलक। आगे देखते हैं, इस भाग को पढ़ाते समय
यह ध्यान में रखना जरूरी होगा कि संस्कृति विविधता के बारे में शिक्षा का ज्ञान इस पाठ को जीवंत रख सकता है। और इस बात पाठ को पढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि संस्कृति विविधता के बारे में शिक्षा का ज्ञान इस पाठ में जीवंत रखता है। ठीक, जो टीचर ज्ञान है वो भी इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं, अभिव्यक्ति के कई माध्यम हैं और समयानुसार इस माध्यमों में बदलाव भी आया है। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के तरीके की रोचक झलक पुस्तक के दूसरे भाग बात का सफर में है। बात का सफर में है। आगे, हास्य रचनाएं सभी को गुदगुदाती हैं, सभी को अंदर हास्यप्रद भावना का उजागर करती है। बच्चे हास्य के पुट वाली रचनाओं के विशेष रुचि लेते हैं। पुस्तक के तीसरे भाग में मजा खटोला में हास्य व्यंग से ढेर सारी रचनाएं और कार्टून दिए गए। शिक्षक का हास्य बोध रचना के साथ साथ कक्षा शिक्षण को भी रुचिकर बनाता है। भाग चार, आसपास में दी गई रचना हमारे पर्यावरण को समझने और उसके प्रति संवेदनशीलता को उपजाने की शुरुआत करती हैं। आगे देखते हैं, इस भाषा के अंतर्गत भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के पर्यावरण के प्रति जागरूकता सरल साहित्य और गतिविधियों के माध्यम से दी गई है। प्रत्येक भाषा की शुरुआत में इस भाग की विषय वस्तु संक्षिप्त परिचय दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ देखते हैं रिमझिम, तो रिमझिम का मतलब यही है कि जो पाठ्य पुस्तक के लास्ट में रिमझिम दिया गया है वहाँ पे बच्चों को हंसते हंसते पढ़े, कार्टून दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं और जो कहानी है जो उसका निचोड़ निकलता है वो हास्यपद होता है ताकि बच्चों के अंदर क्या है अभी प्रेरक शासक उनके अंदर उत्साह है और पढ़ने के लिए उनके भाषा सीखने के लिए उनके अंदर एक उत्तेजना हो। रचनाओं में विविधता, रचनाओं में विविधता की बात करते हैं। रचनाओं में विविधता दो रूपों में देखने को मिलेगी, एक तो विषय वस्तु के रूप में, दूसरी विधाओं के रूप में। एक विषय वस्तु के रूप में, दूसरी विधाओं के रूप में। अब देखते हैं रिमझिम तीन और रिमझिम चार में साहित्य की विभिन्न विधाएं जैसे कहानी, कविता, पत्र, नाटक आदि शामिल है। रिमझिम पांच में इन विधाओं के अलावा खबर, उपन्यास, अंश, सूचना, परकलेप, भेंट वार्ता, शिखर कथा, विज्ञान तथा विज्ञान कथा तथा अन्य यात्रा का वर्णन दिया गया है। इन पाठों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस विधा में उपलब्ध अन्य सामग्री का इस्तेमाल करें, जैसे डाकिया की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। इस भेंट वार्ता को पढ़ाते समय अखबार, रेडियो, टीवी पर आने वाली भेंट वार्ता की और बच्चों का ध्यान देना है। मैंने जब ये पढ़ाएं तो जो टीवी पे आते हैं, रेडियो पे आते हैं, उसको भी बच्चों का ध्यान देना ताकि बच्चों को चीज़ें मेमोराइज हो जाए। इसी प्रकार स्वामी की दादी पढ़ाने के दौरान बच्चों को ऐसे उपन्यास पढ़ने प्रेरित करें जो बच्चों के लिए लिखे गए हैं। इसमें कलवा, मंडू भंडारी, एक डर, पाँच नीडर, सत्यप्रकाश अग्रवाल की, गब्बर सिंह और उसके दोस्त, श्रीलाल शुक्ल की, स्वामी और उसके दोस्त, आर के नारायण की, ये प्रमुख विधाओं को भी पढ़ाएं बालकों को। शिक्षक को यह प्रयास बच्चों को अगली कक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को समझने में मदद मिलेगी। अब आते हैं रचनाओं के रूबरू। रिमझिम पांच की पुस्तकों में कई साहित्यकारों की रचना ली गई, जैसे प्रेमचंद। इनकी पांच प्रमुख रचनाएं आप हमें बताइएगा, इनकी पांच प्रमुख रचनाएं क्या है? मुंशी प्रेमचंद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख दो रचना, नागार्जुन की प्रमुख दो रचना, सोहन लाल द्विवेदी प्रमुख दो रचना, आर के नारायण की प्रमुख रचना। ऐसे क्या होगा, आपको यूपी टेट का भी और सुपर टेट का भी तैयार रहेगा। आने वाली कक्षाओं में साहित्य सहित बच्चों का परिचय उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। रचनाओं को गहराई से समझने के लिए उनके लेखकों की उपयोगी है। ऐसा ही प्रयास रिमझिम पांच में किया गया, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित छोटी सी हमारी नदी कविता के बाद दिया गया है पाठ जोड़ा सांको वाला घर रविन्द्रनाथ के बचपन की झलक को दिखाता है या प्रदर्शित करता है। खिलौने वाला कविता और ईदगाह कहानी पढ़ाने के बाद परिषद और विकसित सुभद्रा कुमारी चौहान और प्रेमचंद पर बनी फिल्में दिखाई जा सकती हैं। ठीक, उन्होंने कहानी पढ़ाई फिर उस पर जो बनी है फिल्म उसको भी दिखाइए ताकि बालक के अंदर अब वो सारी छवि पूरे दिमाग में बैठ जाए और भाषा का विकास हो। क्योंकि हमने जब ये पढ़ना शुरू किया था प्रारंभ से तो बस यही सीखा था कि भाषा का विकास कैसे हो। परिवेश के प्रति सजगता, बच्चों का एक स्वभाव विशेषता है कि परिवेश के प्रति जिज्ञासा रखना, अवलोकन करना। देखिए बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, मतलब परिवेश के प्रति जिज्ञासा का माहौल बना रहता है, वो सीखना चाहते हैं। जैसे वर्षा क्यों होती है, गाय खाना खाने के बाद ब्रश मंजन क्यों करती है, देखा आप लोगों ने इस तरह से जुगाली करती है, बिजली क्यों कड़कती है,
इस तरह के जो होते हैं बच्चों के परिवेश की जिज्ञासा रखते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं। जब बीज को बोते हैं तो तना जो है जब सूर्य के प्रकाश तरफ, जड़ उसकी विपरीत तरफ क्यों जाता है, ये सारी चीज़ें इस स्तर के बच्चों को यह उपेक्षा की जाती है कि आसपास के परिवेश में उपलब्ध सामग्री रुचि ले और उसका विश्लेषण कर सके। फिर आगे देखते हैं, शिक्षक की स्वयं की रुचि तथा रचनात्मकता बच्चों को इस कसौटी पर खरा उतारने पर मददगार साबित होगी। हमारे परिवेश में उपलब्ध विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्डों में मुहावरों, लोकोक्तियों, कहावतों के साथ साथ बोलने के कई प्रचलित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित रोजमर्रा से जुड़े विषयों पर जैसे खाना पीना, मौज मस्ती, खेल, सेहत, त्यौहार आदि बच्चों को इस तरह की सामग्री बना सकते हैं। शिक्षक रिमझिम 5 के माध्यम से इस प्रकार के शिक्षण करें कि बच्चे भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम मानकर उसका सार्थक प्रयोग कर सकें। अब आते हैं भाषा की बनावट। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 व्याकरण की अवधारणा को विभिन्न किस्म के पाठों के संदर्भ में पहचान कर उचित प्रयोग करने का सुझाव देती है। हिंदी पाठ्यपुस्तक में अभ्यासों के माध्यम से भाषा की बनावट सार्थक प्रयोग पर बल दिया गया। ये हम लोग कल पढ़ लिए थे, इस पर आधारित क्या है कि हिंदी की पाठ्यपुस्तक में अभ्यासों के माध्यम से भाषा की बनावट के सार्थक प्रयोग पर बल दिया गया है। फिर व्याकरण को कठोर यांत्रिक पृथक अनुशासन के रूप में सुलझाया, सहज रूप में प्रस्तुत करना बेहतर होगा। अब हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि भाषा के जो भी हम भाषा पढ़ते हैं उसके साथ व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण को बालक के ऊपर थोपना नहीं है, तो सजग रूप से क्या है धीरे धीरे करके हर पाठ के बाद में थोड़ा थोड़ा करके सिखाना, ताकि बोझ ना लगे उसे, ये ना लगे कि उसके ऊपर भाषा में व्याकरण का जो बोझ डाला जा रहा है ये बोझ के रूप में काम कर रहा है। बहुभाषिकता, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने कल पढ़ा था। हमारे देश में भाषी विविधता हमारा एक भाषी संपद है, मतलब कहने मतलब हम बहुभाषी होते हुए भी एक है कि हम भारतीय हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं लेकिन हमें भारतीय, ठीक अलग अलग पहनावा लेकिन फिर भी हमें भारतीय, अलग राज्यों में रहते हैं अलग अलग फिर भी हमें भारतीय। हमारे देश में भाषिक विविधता हमारा एक भाषी संबल है। हिंदी की पारंपरिक बोलियां भारत की विरासत का अंग है। हर बोली का अपना लहजा होता है, हर बोली क्या होता है, अपना एक लहजा होता है। अक्सर होता है कि बच्चे जब कक्षा में अपनी भाषा, अपनी घर की बोली बात करते हैं या शिक्षक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब अपनी बोली में देते हैं, शिक्षक उन्हें तुरंत टोक देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब शिक्षक कभी कक्षा में प्रश्न पूछता है तो बालक अपनी मातृभाषा, अपने घर की बोली जाने वाली भाषा में जवाब देते हैं तो शिक्षक उन्हें तुरंत टोक देता है। आगे देखते हैं, शिक्षक को ऐसा करने से बच्चे सहज अभिव्यक्ति का आत्मविश्वास खो देते हैं और मानक भाषा के ढांचे में ढलने से असफल कोशिश करते हैं। इसलिए इसके बारे में बताया गया है कि आपको डांटना नहीं है, आप उनको समझाना है, धीरे धीरे करके सिखाना है, उनको किसी भाषा का प्रयोग करें और इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सब, इसलिए आप लोग को पढ़ने थोड़ा उबन भी लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत से साहित्यकार जैसे फणीश्वरनाथ, रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने पर बल देती है। अब वो ये भी कहती है, हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, एक कक्षा में जो बहुभाषिक बच्चों उन्हें क्या होता है, भाषा सीखने में एक यांत्रिक दृष्टिकोण से हम उसका लाभ ले सकते हैं। अब एक प्रकार के बालक बोले से भी उसको दोहराएं, धीरे क्या होता है एक भाषी लोग बहुभाषिक कक्षा में सीख सकते हैं, क्योंकि कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं। ठीक, रिमझिम 1 से 5 में बहुभाषिकता को स्थान देने के लिए अन्य भाषाओं से भी सामग्री ली गई। जैसे देखते होंगे कभी दिखा होता है अरबी शब्द, हिंदी है आपने कभी देखा होगा, मराठी शब्द, संस्कृत शब्द, रिमझिम जो पीछे दिया गया होता है पाठ के, कभी कुछ 5-7 शब्दों के इस प्रकार अन्य भाषाओं में उसके नाम लिखे गए होते हैं। वही बता रहा है कक्षा 1 से 5 रिमझिम में बहुभाषिकता को स्थान देने के लिए अन्य भाषाओं से भी सामग्री ली गई तथा गतिविधियों के अंतर्गत बच्चों को अपनी भाषा में लिखने बोलने के अवसर भी दिए गए। आगे देखते हैं, जरूरत इस बात की है कि शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा और बोली का इस्तेमाल करने का मौका कक्षा में अवश्य दे। शब्दकोश से परिचय, शब्दकोश के बारे में देख लेते हैं हम लोग। बोलने चालने में एक दूसरे की बोली समझना आसान है, पर वही बोली जब लिखित रूप में सामने आ जाती है तो कई बार शब्दकोश का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। ये बोलने चलने में दूसरे समझना आसान काम है, लेकिन जब वही बोली जब लिखित रूप में हो जाती है, लिखित रूप में अगर बोलना हो तो क्या होता है, हमें शब्द भंडार जरूरत होते हैं, कैसे कैसे शब्द यूज किया, जिसे आप अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, ठीक हिंदी में शब्दकोश कहते हैं।
बच्चे शब्दकोश से पहचान बनाएं और उसे देखने के लिए आंकड़े डालें। इसके लिए रिमझिम 5 में शब्द और शब्दों के क्रमानुसार दिए गए हैं। ठीक है, रिमझिम में इसके बारे में जिक्र किया गया है पहले ही। इस काम में शिक्षक की मदद बच्चों को शब्दकोश से आत्मीय रिश्ता को जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। कला और सौंदर्य बोध, साहित्य का कलाओं से सीधा संबंध है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 कला के माध्यम से अन्य विषयों को जोड़ने पर बल देती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भारत की हस्तकला पर विशेष रूप से बल दिया गया है। जहां चा वहां रा पाठ का सीधा कार्य के महत्व को दर्शाता है। इस पाठ को पढ़ाने के दौरान अपने आस पास के कारीगरों को बुलाए और प्रचलित हस्तकला का व्यवहारिक अनुभव बच्चों को दिलवाए। मैंने जहाँ चाह वारा, मतलब अगर आपने चाह लिया है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से अपने आसपास से कलाकार को बुलाएं और बच्चों से उसे रूबरू कराएं ताकि बच्चा भी उनके जैसे कुछ करना चाहे और करते भी हैं। शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि साहित्य के माध्यम से बच्चों में सौंदर्य बोध का विकास करें। जैसे किसी कविता को पढ़ने के बाद उस कविता को कैसे गाया जा सकता है, क्या उसे धुन में ढाला जा सकता है, कहानी को नाटक का रूप देकर रंगमंच पर अभिनीत भी कर सकते हैं। इससे कविता या कहानी के भाव पूर्णतया जीवंत उठेंगे और अंतर्निहित अर्थ संजीव हो उठेगा। ठीक, मतलब बच्चे स्वयं से अगर पढ़ते हैं तो उनका अपने आप उसमें महसूस करते हैं। ये सब सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। बच्चों के लिए किसी भी पाठ्य पुस्तक का मुख्य आकर्षक उसके चित्र होते हैं। जो बालक होते हैं अन्य ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, चित्र भी एक अध्याय था कि पाठ्य पुस्तक में सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, चित्र देखते हैं। चित्र सबसे ज्यादा मनमोहक है, उसमें उनकी बच्चे रुझान बढ़ती है। रिमझिम 1 से रिमझिम 5 तक आते आते किताब में भाषा विषय वस्तु आदि बच्चों की बढ़ती आयु के अनुसार परिपक्वता आई है। ऐसा ही बदलाव चित्रों के स्वरूप में दिखाई देता है, लेकिन ये प्रयास किया जाता है उनका आकर्षण बरकरार रहे। ठीक, इधर एक बार आप लोग दोहरा लीजिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। संवेदनशीलता का Gracias.